तेरा हटने ना दूं मैं फोकस, वो अलग सबसे मिलता ना कुछ सेम होकर, खुद से कहता मैं जो करना तू वो कर, मेरा एम ऑन लॉक जब वो गेम ऑन, गेम ऑन, मेरा हटने ना दूं मैं फोकस, वो अलग सबसे मिलता ना कुछ सेम होकर, खुद से कहता मैं जो करना तू वो कर, मेरा एम ऑन लॉक जब वो गेम ऑन, 3 साल पहले। Yo, what is up guys, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं वॉक्सवैगन। आपने सुना ही होगा यार वॉक्सवैगन की कौन सी कारें, बताओ। चलो पोलो के साथ कर रहे, बता ही देते हो यार। पोलो वर्सेस जो हमारी नई वाली 2021 की शिफ्ट है उसके साथ हम रेस कराने वाले हैं। और गाइस आज की रेस में भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है, दोनों ही कार जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और हाँ गाइस, जिसने भी यार मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हो यार, वो फटाक से फॉलो कर लेना। और हाँ, मुझे मैसेज में लिख देना यार, बहुत से बंदे मुझे मैसेज कर देते कि यार मर्सिडीज 360D वर्सेस मर्सिडीज GLL 400D, थैंक यू भाई, साथ मल्टी में बना दूंगा। गाइस आज मैं आपको देना चाहता हूँ उज्जवल दीक्षित गेमिंग और आयुष शर्मा को जो है सबसे पहले मैसेज करते हैं। और हमारा टॉप कमेंटर जो है वो है स्ट्राइकर विष्णु, थैंक यू सो मच विष्णु यार मेरे भाई सपोर्ट करने के लिए। तो गाइस अगर आपको नहीं पता कि टॉप कमेंटर कैसे बनना है, तो यार जैसी मेरी वीडियो आती है आपको सबसे पहले कमेंट करना है, तो आप बन जाओगे मेरे चैनल के टॉप कमेंटर। सो चलते हैं भाई अपना फटाक से शोरूम। और हाँ गाइस, जिसने भी देखा मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है, जाके सबसे पहले देख लो भाई, शिफ्ट न्यू वर न्यू शिफ्ट वर्सेस ओल्ड शिफ्ट, वैगनर वर्सेस न्यू शिफ्ट। मैंने बहुत सारी कार्स को लिबर्टी सिटी से एक्सपोर्ट किया था, फॉर्च्यूनर वर्सेस डस्टर, बहुत सारी गाइस मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है गाइस, वो जाके यार फटाफट चेकआउट कर लेना। तो चलते यार अपना फटाक से भाई अपने शोरूम पे। और बैनी से मैंने बोल दिया था भाई, दोनों कार मैंने उससे मंगवा लिया था, जितनी भी मैं सारी लिबर्टी की सिटी से या बहुत सारे शहर से इंडियन की कार्स लेके आया था वो सब मैं शोरूम में लेके आया था। शोरूम में मैंने नीचे अंडरग्राउंड गैराज में रखवा दिया था। तो मैंने बैनी को हमेशा मैं कॉल करके बोल देता हूँ कि यार वो गैराज में से गाड़ी को निकाल ले, तो वो गैराज में से गाड़ी को निकाल कर साफ करके ऊपर रख देता है। तो चलते अपना फटाक से भाई, ये आ गया अपना भाई बहुत प्यारा जो शोरूम, और इस गाड़ी को मैं सेफली खड़ी कर देता हूँ। भाई फरारी है, बहुत महंगी है, लास्ट टाइम इसने भाई बेनी ने चला चुलूले भाई बिना पूछे चला के ठोक दी थी, और इसकी भाई पूरी सर्विस वगैरह भी करवा देता हूँ। तो मैंने अपने यहाँ पे कार को भाई सेफली खड़ा कर दिया है भाई, किसी ने देखा तो नहीं, तो यार फटाक। तो देख सकते हैं यहाँ कितनी सारी और भी बहुत सारी सुपर कार्स है, और बेनी को मैंने बता दिया था और बेनी ने बोला कि गैराज के अंदर, तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई वॉक्सवैगन भाई कितनी प्यारी लग रही है। अरे भाई साहब, और नई वाली शिफ्ट भाई बिल्कुल हटके रख, बट जो दोनों में से इंजन है ना वो प्यारा, तो भाई अपना वॉक्सवैगन का इंजन है भाई, और जो शिफ्ट का है वो थोड़ा सा हल्का है। पिकअप के मामले में वॉक्सवैगन पोलो भाई बहुत बहुत तेज है भाई, क्या बताओ। हाँ गाइस, इस वीडियो को यहीं पे पोस्ट करके यार फटाक से मुझे कमेंट करके बता दो नेक्स्ट रेस कौन सी होनी चाहिए, या फिर मैं कौन सी कार चुरा के लाऊं। और इसका अगर हम इंटीरियर की बात करें, तो इसका इंटीरियर भाई बिल्कुल ही स्टैंडर्ड है, मतलब नॉर्मल सा है, मतलब ठीक है इंटीरियर भाई, गाड़ी के हिसाब से इंटीरियर एकदम जहर है भाई जहर। अरे वो वाला दरवाजा खुला कैसे रह गया, अरे पता नहीं क्या सीन है, अरे फिर से घुस गया यार। चलो कोई बात नहीं, मतलब भाई गाड़ी बहुत मस्त है, बार बार बैठने का मन कर रहा है। चलो कोई नहीं, हम चलते हैं भाई अपनी शिफ्ट में और शिफ्ट को देखते हैं भाई। अरे भाई शिफ्ट का इंटीरियर तो आपको पता ही है कैसे से, अरे भाई शिफ्ट का भी इंटीरियर भाई बहुत प्यारा है। तो यार आज मैं काम करता हूँ, आज मैं यार अपनी वॉक्सवैगन लेके जाऊँगा यार, मुझे वॉक्सवैगन चलाने का मन कर रहा है, शिफ्ट होनी। सो फाइनली हम अपनी वॉक्सवैगन में बैठ चुके पोलो में, अब पोलो में चलते भाई अपना रेस के ट्रैक पे। और गाइस फटाफट देखते हैं आज कौन सी रेस भाई, दोनों में से कौन सी रेस आज जीतने वाली है फटाफट यार मुझे सबसे पहले तो कमेंट करके बता दो कि भाई आज तो स्विफ्ट जीतेगी, नहीं नहीं भाई आज पोलो जीतेगी यार। आप सब बताते रहो यार, आप सब कमेंट नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता यार, मतलब भाई अगर कमेंट करते हो ना भाई, बंदे कमेंट करते हैं फर्स्ट वगैरह, और मैं सबको एक एक बंदे को शाउट आउट दूंगा इस वीडियो में, जो जो कमेंट करेगा ना, मतलब टॉप कमेंटर जो जो होगा ना, उन सबको मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ। तो यार चलते पहले फटाक से अपना शोरूम पे। तो भाई देख सकते हैं कितनी तेज़ी से भाई, गोली से भी तेज़ आ रही, मतलब इसकी जो हैंडलिंग है ना बहुत बढ़िया है भाई, हैंडलिंग तो भाई आपको देख ही रहा होगा कैसी गाड़ी चल रही है, नहीं तो भाई कितनी ठुक ठुक के चलती है भाई। तो यार अपना फटाक से चलते हैं अपने रेस के ट्रैक पे। तो फाइनली देख सकते हैं भाई अपनी भाई कितनी प्यारी लग रही है भाई वॉक्सवैगन, अरे भाई साहब। सो फ्रैंकलिन को मैंने बोल दिया था सामने, वो रहा फ्रैंकलिन भाई डांस करते हुए, कहता नई गाड़ी आ गई नई गाड़ी आ गई, इसको क्या पता भाई। ये देखो भाई, वैसे मैं सच्ची बताऊँ तो पोलो का साइज़ ज़्यादा बड़ा है शिफ्ट से, ये आपको दूर से ही देखने में पता लगेगा, शिफ्ट का जो साइज़ है कॉम्पैक्ट और स्मॉल है, मिनी साइज़ है। और फ्रैंकलिन को मैंने बता दिया था कि भाई देखते हैं आज कौन रेस जीतने वाला है भाई, तो फ्रैंकलिन कहता मैं ही जीतूंगा इस रेस को, तू तो नहीं जीतने वाला। तो मैंने बोला अभी बता दो तुझे फ्रैंकलिन, तो 3 स्टार्ट। सो यार फाइनली अपनी भाई रेस स्टार्ट हो चुकी है, वैसे 3-2-1 ओ भाई। सो कोई बात नहीं, फाइनली भाई अपनी रेस स्टार्ट हो चुकी है, और मैं गोली से भी तेज भाग गया भाई, शिफ्ट की स्पीड भाई कितनी स्लो है भाई, 30
अबे जा भाई, कुछ नहीं होने वाला भाई। शिफ्ट भाई मतलब शिफ्ट का जो पिकअप है भाई, जीरो जीरो नहीं कह सकते, मतलब कम है यार। और वो भाई पोलो 1 सेकंड में पिकअप लेके फुल तेज भगा पा रही। अरे भाई सब सो देख सकते भाई, आज का विनर भाई पोलो ही है, देख सकते हैं भाई। और भाई शिफ्ट इतनी पीछे कैसे रह गई भाई, शिफ्ट तो भाई लास्ट टाइम में शिफ्ट के तो, अरे भाई भाई भाई, अबे भाई यार मैं पीछे देखने के चक्कर में भाई आगे तो देखा ही नहीं। शिट यार, इसका बम्पर साइड का थोड़ा सा हो गया, बट कोई बात नहीं, अब बम्पर भी डैमेज हो चुका है, शायद टायर में फंसेगा तो और स्पीड कम हो जाएगी पोलो की। तो अब चैलेंज बहुत मुश्किल है कि पोलो वर्सेस शिफ्ट में से कौन जीतेगा। शिफ्ट भी जीत सकती है, शिफ्ट की स्पीड देखो भाई एकदम से भगा ले गए। शायद ये फ्रैंकलिन की चाल थी कि मैं धीरे धीरे ले जाऊंगा फिर आगे रेस स्टार्ट करूंगा मेन। तो देख सकते भाई फ्रैंकलिन भाई कितनी तेजी से लड़ा, रुक जा भी बता दो तुझे ये देखो। अरे भाई साहब, अरे भाई फ्रैंकलिन तो भाई नाइट्रो यूज कर रहा है। अरे भाई तो गाइस मैं नाइट्रो यूज नहीं करूंगा यार, बिल्कुल रेस है, रेस में कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, तुझे मैं बता दूं कि भाई कौन सी कार सबसे तेज है, शिफ्ट वर्सेस पोलो। तो भाई फटाक से चलते, रुक जा मुझे मारेगा तू। अरे भाई साहब वो देखो, जैसे ही फ्रैंकलिन जो अपनी गाड़ी का नाइट्रो मारता है तो वो आगे निकल जाता। तो यार नाइट्रो है ना, कोई बात नहीं, वो विद नाइट्रो है, तेरा भाई विदाउट नाइट्रो है। तो देखते भाई आज की रेस कौन जीतने वाला है भाई, फटाक से चलते हैं। और गाइस वीडियो को यार पूरा देखना यार, एंड तक देखना, क्योंकि भाई बहुत ही मजा आने वाला है। तो देख सकते हो, अरे भाई साहब रुक जा भी बता दो तुझे फ्रैंकलिन, ये देख अभी देख अभी तेरे से आगे निकल गया, ये देख भाई मेरे से पंगा ले रहा था तू, आज अब तू मेरे आगे निकल के दिखा दे, बता रू मेरा यार बम्पर भी टूटा हुआ है तब भी मैं आगे निकल गया गाइस। अरे भाई साहब कितने पीछे रह गए वो, चलो कोई बात नहीं, मैं गोली से भी तेज आगे जाता हूँ और इस रेस को जीत के भाई इसकी ट्रॉफी अपने हथियार करता हूँ। तो भाई देख सकते हैं भाई फाइनली भाई कितनी आगे आ गई, और वो गाड़ी भाई मुझे बहुत पीछे दिख रही है, पता नहीं क्यों, पता नहीं ये फ्रैंकलिन करके रहा है, इसकी चाल वाल हो गई या कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। वैसे तो यार इतनी तेज चला रहा था, कभी मेरे से आगे जा रहा कभी मेरे से पीछे जा रहा, अब आगे निकल के दिखा देना बताऊँ उसमें। अरे अरे बिल्कुल मेरे पीछे जस्ट, अरे भाई साहब एकदम से भाई आगे भगा तो लेके आए, रुक जा ओवरटेक करेगा तू, तुझे तुझे बता तू ये ले, अभी देख भाई कि तेरे को नहीं छोड़ूंगा भाई, और रेस तो भाई मैं ही जीतूंगा फ्रैंकलिन, देखते जा रुक जा भी बता दूँ तुझे। इसको ना साइड में कहीं टक्कर नहीं, नहीं चल लेने दे, मैं टक्कर वक्कर मारूंगा ही नहीं, मैं क्यों चीटिंग करूँ भाई, जब ये बंदा चीटिंग कर रहा है रुक जा भी देखे देख इसको आगे बढ़ने दूंगा वो भाई साहब। सो फाइनली भाई खुद ही मुड़ गया, अरे भाई भाई मैं भी मुड़ गया गलती से, चलो कोई बात नहीं यार भाई रेस को भाई फटाफट इस रेस को तो मैं ही जीतूंगा। वो भाई फ्रैंकलिन नाइट्रो मार के आगे निकलने की कोशिश हो रही है उसकी, रुक जा भी बता दो, रुक जा आगे आते, वो देखो देखो देख रुक जा भी इसके आगे आ जाता हूँ मैं, यस आज आगे आके दिखा, इसको आगे आने ही नहीं दूंगा। सो वो बाइक में ठुक गया, अरे भाई साहब मज़ा आ गया यार, ओ भाई तो यार फटाफट से मैं निकल लेता हूँ, नहीं तो भाई वो आगे आ जाएगा। सो इसी के साथ साथ भाई पोलो वर्सेस न्यू शिफ्ट, विनर विनर इज पोलो। तो भाई पोलो अपनी भाई सबसे बेस्ट कार है भाई, स्पीड के मामले में, पिकअप के मामले में, और गाड़ी भी भाई बहुत अच्छी, कॉम्पैक्ट, हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है भाई, पोलो सबसे बेस्ट है। बट यार इसका सामने से हुआ क्या, इसका यार लेफ्ट साइड से थोड़ा सा बम्पर वम्पर अंदर की साइड धस गया, जिसकी वजह से भाई टायर पे टच हो रहा था, नहीं तो पता है क्या गाड़ी और तेज़ पहुंच जाती। बस ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है भाई, थोड़ी सी इसकी जो ड्यूरेबिलिटी वो कम है भाई, वैसे मामले शिफ्ट के मामले बोलूँ मैं तो। पीछे का बम्पर भी भाई थोड़ा सा हिल चुका है, या साइड से डेंट वेंट भी आ चुका है भाई, बाकी तो गाड़ी बिल्कुल एकदम चकाचक चल रही है, मतलब गाड़ी ने वो नहीं दिया, मतलब जैसे रुक रुक के चलती है, टायर फंस जाता है या कुछ भी दिक्कत होता है। तो यार ये बात तो माननी पड़ेगी कि यार पोलो भाई सबसे बेस्ट कार है भाई। तो यार चलते हैं अपना गोली से भी तो फुल नाइट्रो मार के अपने शोरूम पे। सो इसी के साथ साथ भाई हम अपने शोरूम पे भी पहुंच चुके हैं, तो मैं इसको बोलते तो यार बैनी को रिपेयर, अरे हाँ हमने तो यार शायद अपनी फरारी को रिपेयर के लिए दिया था, हम घर किस में जाएंगे फिर, पता नहीं यार क्या सीन है। तो देखते हैं भाई, मैं शोरूम में चेक कर लेते हो गाड़ी खड़ी हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे, इसको रिपेयर करा के चले गए अपना यार अपने न्यू मेंशन पे, या पुराने वाले घर पे चलते हैं आज। यार इस कार को ना मैं जिमी को दे दूंगा, हाँ एक काम करते हो, इस कार को जिमी को दे देता हूँ, और यहाँ पे तो मेरी कार खड़ी नहीं थी, और मैं यहीं से जंप मार लेता हूँ, ये देखो स्टंट भाई ऐसे करते। अरे भाई 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 ये क्या हो गया, अबे भाई ये छोटी सी कार है, मैं भूल रहा था इसलिए भाई पलट गई है एकदम से भाई। सो गाइस ऐसी छोटी गाड़ियों के साथ यार स्टंट करना भाई मत ही करना भाई, डोंट ट्राई एट होम। ओ भाई अबे मजाक कर रहा हूँ। तो चलते भाई अपना फटाक से अपने मेंशन पे। तो देख सकते भाई मतलब भाई कितनी अच्छी स्पीड है भाई, 100 बार ठुक चुके तब भी भाई इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। तो अब हम चलते हैं यार अपने यार फटाफट से, जैसे मैं यार अपग्रेड करा रहा था अपने लॉस सैंटोस में बैनी के भाई से, तो मैं मैंने बैनी के भाई से बोला यार इसे फटाफट से रिपेयर कर दे। सो गाइस देख सकते भाई कितनी ज़्यादा चकाचक भाई, पूरी हेडलाइट्स वगैरह सब कुछ बम्पर वगैरह एकदम नया जैसा हो गया, और गाड़ी की स्पीड, अरे भाई साहब कितनी तेज पिकअप है यार भाई, मतलब भाई वो भाई क्या ही बताऊंगा यार, बहुत तेज है यार इसकी स्पीड।
इसी स्पीड के साथ चलते अपने भाई पुराने वाले घर पे, और यार इसको जिमी को देता, भाई जिमी क्या कर रहा है भाई साइकिल गिरा के। चलो कोई बात नहीं, अपने पुराने वाले घर पे आ चुके हैं गाइस। हमेशा हम अपने नए मेंशन पे जाते हैं, आज हम आ गए अपने पुराने घर पे। तो ये वाली कार यार मैं जिमी को दे देता हूँ, एक काम करता हूँ जिमी विमी चला लेगा इसे, फुल मौज वोज करेगा भाई, गाड़ी तो बड़ी प्यारी है। और ये ले भाई जिमी तेरा गिफ्ट, जिमी का तो नहीं चाहिए। सो छोड़ो यार ये सब छोड़ो। हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना, और कमेंट में भाई पार्ट टू क्या मतलब बता देना कि नेक्स्ट एपिसोड किस पे बनना चाहिए आपका, वैगनर वर्सेस वॉक्सवैगन या जो भी बनना चाहिए थोड़ा बता देना। ए फोन मेरा हटने ना तू, मैं फोकस वो अलग सबसे मिलता ना कुछ सेम होकर, जब से कहता मैं जो करना तू वो कर, मेरा एम ऑन लॉक।